ये मुझे घर लेने के लिए जिद कर रहा है। ये देखो, नहीं जाएंगे जी, हम लोग अभी नहीं भागेंगे। सुन, कुत्तू खाई आई पी है। जा दादी ने जिबू, जा दादी ने जिबू, जा दादी ने जिबू, जा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग और वेलकम टू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दिन भर आज व्लॉग नहीं बना पाई, कल भी नहीं बना पाई क्योंकि मैं पैकिंग में लगी थी, बहुत सारा काम भी करना था घर का, तो सारा काम करने के चक्कर में वीडियो नहीं बना पाई। वीडियो बनाती तो काम भी नहीं होता और लेट लगता, तो मुझे 2 दिन में काम पूरा खत्म करना था। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले तो कुछ करती नहीं हूँ, कुछ कहीं जाना रहता है या कुछ करना रहता है तभी ही काम करती हूँ, तो ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि कोई नहीं रहते हैं जो कि मुझे साथ दे वीडियो बनाने के लिए या मुझे हेल्प करे काम करने के लिए। तो मैं आज बना रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ कहीं, इसीलिए पैकिंग कर रही थी। तो अभी हो गया घर छोड़ने का समय। कहा जाता है ना कि घर को घर चलाने के लिए घर से ही बाहर जाना पड़ता है, तो सेम वही चीज है। तो बने रहो मेरे ब्लॉग पर, मैं कहाँ जा रही हूँ बताऊंगी। फिलहाल तो आज जाऊंगी राउरकेला जहाँ मेरी दीदी लोग रहते हैं, तो आज दीदी लोग के यहाँ जाऊंगी। कल मेरा ट्रेन है तो कल जाना है, लेकिन आज यहाँ घर से ही जाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह ट्रेन है। सुबह सुबह यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कोई लेने वाला नहीं है, कोई मुझे छोड़ने वाला वहाँ नहीं है। तो ठीक है, आप लोग बने रहो मेरे वीडियो पर। नहीं, कभी भी घर से बाहर नहीं गई हूँ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ज्यादा ही खुश हूँ लेकिन बाद में रोऊंगी लग रहा है क्योंकि बहुत मिस करूंगी, क्योंकि मैं नेचर के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ। घर में मैं सिर्फ इधर उधर घर से नहीं निकलती हूँ पर बारी तरफ बहुत घूमती हूँ, मैं नेचर का बहुत आनंद लेती हूँ, तो ये सब मिस करूंगी। पता नहीं वहाँ ये सब होगा कि नहीं होगा, कैसा वातावरण रहेगा। तो ठीक है, बने रहो आप मेरे वीडियो पर। अभी हो रहा है शाम, 4 बज गया है, तो अभी बुलाए हैं ऑटो को, वो आएगा। तो मेरी सिस्टर मुझे छोड़ने जा रही है तो उसके साथ ही जाएंगे, और रेडी नहीं हुई है अभी तक। तो ठीक है, बने रहो आप मेरे वीडियो पर। मैं दिखाती हूँ थोड़ा पैकिंग। उस दिन शॉपिंग करने गई थी लेकिन मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि एक अकेले पैकिंग करने में भी बहुत बहुत मुश्किल होता है, तो अकेले ही पैकिंग की तो वीडियो नहीं बनाई। तो मैं दिखाती हूँ, ये है हम लोग का बाबू, क्या नाम है बेटा बता दो, कहना तर कही दे, शिवांश बारला ना, शिवांश बारला बाबू कहीं बोला। ये किसको मौसी बोलोगे बोली, तो बोल रहा है कि तुमको बोलेंगे बोल के, पर ये मिस करेगा कि नहीं, मिस नहीं करेगा, करेगा ये बापरी करेगा, मैं भी मिस करूंगी। पाओ कर दो, पाओ कर जल्दी, पाओ वाले। बाबू कहाँ है, बाबू आए गाले। ठीक है, तो अभी हम लोग का ऑटो आएगा तो हम लोग जाएंगे। ये मोटू को बहुत मिस करूंगी, मैं भागू छे, कहीं भागू छे, मुझे याद नहीं करबू करबू ने, रोने खोज रहा है, जा भी बोल रहा है, जाएंगे बोल रहा है, ये नहीं ने भी सकते कंदबू, ये तू ही तो कंदबू ने गमोर लगे। हाय कर दे, तो हाय कर दे, हाय हाय कर दे, माँ पैसे दे भी तुके, पैसे दे महीन बचा, पापा खा पैसा ना, चल 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 चल, ये बच्चा मंगल के माँ, ये मुझे घर लेने के लिए जिद कर रहा है। ये देखो, नहीं जाएंगे जी, हम लोग अभी भागेंगे। मैं मेरा पैकिंग खत्म हो चुका है, अभी भी पैकिंग की, उतना दिन से कर रही हूँ फिर भी खत्म नहीं हुआ था। ये रहा, अभी भी भरना बाकी है, ये सबको ऐसे ही कर दी हूँ। 2 बैग पैकिंग हो चुकी है, पैकिंग कर ली हूँ। ये रहा झोला, फिर ये अभी इसको उठा के जाना है। जाएंगे हम लोग ऑटो में, यहाँ से जाएंगे बस स्टॉप से जाएंगे बस में, फिर वहां से बस चेंज करना है। मैं आ गई अभी मेरी काकी लोग की यहाँ, ये लड़की तो अभी तक रेडी भी नहीं हुई है, पता नहीं कहाँ जाएगी, इतना फैशन चल रही है। रेडी हो, ये घूम रही है ऐसे ही, जल्दी कितना टाइम लगाएगी पता नहीं। मेरा कुछ तो कहा, इतना मेकअप मैं मेकअप नहीं, मैं रहा ना।
चल बे जल्दी कर, पता नहीं खुशी अलग से लगा थे कुछ। ओ मैंने भागा थी सर खुशी। हाँ। वाह वाह गुड जॉब। कहने तो है कहाँ तुम्हें खुशी। हम लोग अभी निकल गए हैं रोड तरफ, ऑटो का वेट कर रहे हैं। ये लगी है अपना फोन में, वो तो पता नहीं कितना लेट करेगा। बहुत गर्मी लग गया, इतना भारी है बैग। कहाँ जाबे कुत्तू खाई आई पी है। जा दादी ने जी बुझा, दादी ने जी बुझा, जा दादी ने जी बुझा। जय श्री जय कर अभी है पापा ने दबी बसी बसी। हम लोग निकल गए ऑटो से, बस स्टॉप आते ही हम लोग को बस मिल गया और हम लोग बस में चढ़ गए। और आज का बादल पर काला किया है। रात के समय में कभी भी राउरकेला नहीं आई थी और बहुत ही सुंदर है राउरकेला का नज़ारा। अभी तरफ लाइट लगा है, हरा भरा भी सुंदर अच्छा लगा। अचानक राउरकेला में इतना बारिश होने लगा, हम लोग का बैग ऊपर था लेकिन शुक्र है कि वो लोग उतार दिए नीचे और नहीं भीगा है, थोड़ा सा भीगा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बस स्टॉप ही जाएंगे क्योंकि भीग जाएगा हम लोग का बैग। भूतनी हम लोग का बैग भीग गया, बारिश हो रहा है, ऊपर में रखे थे अंकल सब, गुस्सा लगता है भिगा दिए। यहाँ राउरकेला में बहुत जोर से बारिश हो रहा है, हम लोग अभी पहुँचे हैं, 7 बजने वाला है और झिपनी हम लोग को जाना है। तो दीदी बताई कि 108 और 104 गवर्नमेंट बस जाता है बिल्कुल उधर, लेकिन ना यहाँ पर हम लोग बड़ा बड़ा बैग पकड़े हैं और इतना इतना लड़का सब है, बड़ा बड़ा एज का ही है, लेकिन हम लोग को कोई हेल्प नहीं किए। हम लोग भी पूरा तरसा पूरा कितना मुश्किल से चढ़ाए हैं, मतलब ऐसे देखो आजकल कोई हेल्प करता नहीं है। हम लोग पहुँच गए अभी यहाँ, क्या बस स्टॉप दुर्गा चौक बोलते हैं, झिपने दन्ने तरफ दी आ रही है लेने, अभी जाएंगे। यहाँ भी हम लोग को बारिश नहीं, हम लोग को पीछा नहीं छोड़ रहा है, यहाँ भी बारिश हो रहा है। ये पूरा आगे फेंका गई। सारी छुआ उठ के बैठ दे लेने। ये हम लोग का मैया एक दिन रुसिया हो गई है और सो रही है। ये हमारे बड़का दीदी हमारे लगे रोटी बनाते, मेरा ब्लॉग देखिस देखिस यू कब मूर्ख से कहते। हम लोग पहुंच गए दीदी घर, तभी बारिश भी इधर हो रही थी तो वीडियो नहीं बनाए। और थोड़ा मार्केट में कुछ खरीदना भी था, आधा शॉपिंग की थी तो मार्केट भी गए थे। उसके बाद अभी आए, थोड़ा नाश्ता खाए थे शाम के लिए और उसको भी खा दिए और अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि ट्रेन भी हम लोग का जल्दी है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। और अभी तो खुशी खुशी आई हूँ, पता नहीं कल क्या होने वाला है। ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।